हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, कल हम गांव थे, तो गांव से आज आ चुके हैं बूंदी। तो गाइस, सुबह सुबह का मौसम हो रखा था और गांव तो है नहीं जो कि खेतों में घूमने चल जाए। तो अब यहाँ सिटी में तो यार आपको, आप लोगों को पता है, बस छत है। और वैसे यहाँ पे बड़ा मस्त मौसम सा हो रहा है कि बादल, अच्छे से बादल हो रहे हैं और बड़ा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। हालांकि गांव में जितनी सर्दी है ना, यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है। बोलिए, नहीं यहाँ पे इतनी सर्दी क्यों नहीं है? गाँव में तो इस टाइम को है ना स्वेटर पहनना पड़ता है। मैंने स्वेटर पहना है वहाँ पे, गाँव पे स्वेटर पहनना पड़ता है। अभी यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है। और मैं क्या ऐसे घूमने आ गया छत में, छत पे चलते ब्लॉग भी शूट कर लेंगे क्योंकि रानू को स्कूल जाना है। आया है कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया है कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया है कचरा निकाल। तो गाइस, सुबह सुबह इसके ये टेंशन रहती है, इधर से झाड़ू पोछे की, उठते झाड़ू पोछे की, कचरा फेंकना है, मेरे को झाड़ू निकालना है, मेरे को खाना बनाना है। और गाइस, ये सुबह सुबह का खाना है और मेरे को खुद को नहीं पता कि मैंने कब खाया था, पर लिख के दे सकता हूँ कि मेरे को शायद 8-10 सालों में मैं फर्स्ट बार सुबह सुबह 8 बजे खाना खा रहा हूँ। मैं हो गया है और अब रामू को स्कूल ड्रॉप करके आते हैं, तो चलते हैं। गाड़ी में धूल हो रही जो यार, दो मिनट देख, ऐसे झाड़ लो फटाफट कपड़े से। हाँ झाड़ रहा हूँ ना। अभी बज चुके 3 और मैं जॉब करके काम करके आ गया हूँ और अब चले नहा लेते क्योंकि सुबह से नहाया नहीं था। और रानू है जो, अभी देखो रानू पीछे सो रही है कि रानू को नींद आ रही है, रानू सो रही है, तो चले नहा लेते हैं और नहाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस नहा भी लिया हूँ और जूते जो है अपने, ये देखो जूते, जूते भी अच्छे से धो दिए क्योंकि जूते धोने थे, एक जोड़ी और है, रानू सो रही है, तो इसलिए जूते मैंने खुद ने धोए। तो बाल भी सुखा लेंगे और जूते भी सुखा देंगे यहाँ पे। तो गाइस फाइनली जूते, देखो जूते सुखा दिए और अब चलते हैं बाल सुखा लेते हैं। तो गाइस फाइनली बाल सूख चुके हैं, बड़े सूख गए अच्छे से, और अब चलते हैं नीचे और रानू को उठाते हैं चल के। देखो गाइस कूलर चला के आराम से सो रही है, गर्मी लगी हुई है इसको। मोडू मोडू बेटू, अरे बेटा, ओ बेटा, हेलो हेलो, चुड़ैल ढाकन उठन बेटा, ढाकन। तो गाइस जब ये सो रही है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते इसको, अभी खुद से उठ जाएगी, फिर उठाएगी इसको, सो जाने देते हैं। यार बेचारी थक जाती है ना यार, सुबह सुबह खाना वाना बनाती है, सुबह सुबह गए 6 बजे उठ के, तो पहुँचा डिस्टर्ब होगी, सो जा सो जा। ओ तेरी तो, सो जाने देते गाइस जब इसी को, डिस्टर्ब नहीं करते बेचारी को। यार गाइस बेचारी सुबह सुबह उठती है और 6 बजे उठ के बेचारी झाड़ू पोछे लगाएगी, बेचारी खाना वाना बनाती है, पानी वानी भरती है, तो बेचारी सुबह सुबह उठ के परेशान हो जाती है, फिर स्कूल जाएगी, स्कूल से फिर 2-2.5 बजे आएगी, बेचारी आराम से सो रही, तो सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, फिर उठने के बाद मिलते हैं आराम से। तो गाइस इसको सोते हुए बहुत टाइम हो गया और फिर भी अभी नहीं उठ रही क्योंकि 5 बज चुके हैं और कोशिश कर रहा हूँ। मोटा, ओ मोटा बेटा, अभी कोमा में गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, उठी थी कितनी बार, ओ बेटा चुड़ैल, ओ उठना, क्यों 5 बज गए बेटा, 5 तो बजे, अभी तो 6 बजे दो, क्या 8 तो बजे उठेगी क्या? 6 बजे उठो। देखो गाइस अभी भी कह रही कि 5 ही तो बजे, अभी तो सोने दो। और पता है इससे ज़्यादा टेंशन, पता है इसको मुझे टेंशन नहीं है, ब्लॉक की टेंशन मेरे को है। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे थोड़ी बहुत बातें बातें कर लूँ क्योंकि मेरे को अभी बाहर जाना है, काम करना है, एडिट करनी है, बहुत सारे काम है और ब्लॉग अपलोड करना है। तो इसको उठाने की, सॉरी लग गई इसको, इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर उठ नहीं रही, तो उठेगी थोड़ी देर और वेट करते हैं क्योंकि कूलर जो है बंद कर दिया, तो वेट करते हैं। क्या चुप रहो, बंद करो इसको, क्या चुप रहो, उठ जा ना। तो गाइस फाइनली उठ चुकी है मैडम, बहुत दिनों बाद और बहुत टाइम बाद है, क्या बोलते हैं उसको, कोमा में से उठी है। तो ठीक है, झुक झुक जियो मेरे लाल, क्या बिट्टा उठ जा, देखे इधर देख मोटी कैसा लग रहा है उठ के। हाँ हाँ बेटा।
मेरी मैडम रानू उठ चुकी है और तैयार हो रही है। तो देखो अपन तो क्या नॉर्मली है ना, तैयार हो रही है और लेडीज हो रही है ऐसे ऐसे करके। तो जान दे से क्या हो रहा है, कच्ची नींद उठा दी इसलिए परेशान हो रहा है। ठीक है चल नाराज मत हो, ठीक है। तो गाइस वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अभी इटी के साथ रहती क्योंकि अभी सो के उठी है, कच्ची नींद में उठी है, उठाइए तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर शांत बैठ जाते हैं, फिर बने रहिए ब्लॉग में। तो जूते तो जरूरी है ना, कल कॉलेज जाऊंगा तो काम है, गर्लफ्रेंड आएगी मेरी उससे मिलने। यार गाइस पागल है। तो कॉलेज में क्या लेने जाऊंगा, कल शपथ ग्रहण है ना इसलिए जाऊंगा। जो क्यों तैयार हो कि क्यों? अरे तैयार हो कैसे जाऊंगा, जूते तो खराब हो रहे हैं, तो दूंगा ना यार। नहीं जाएगा मैं शपथ ग्रहण। क्यों, क्या होता है शपथ ग्रहण? हाँ सही है। तो गाइस सुबह सुबह उठते ही भाषण शुरू कर दे इसने, सुबह सुबह चालू हो गई उठते। अरे सॉरी, हाँ तूने अच्छा याद दिलाया। तो गाइस सॉरी, शाम पड़े पड़े क्या क्या बोल। अरे यही तो ब्लॉग की यही तो दाती है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोले क्या नहीं बोले। तो गाइस हाँ, तो गाइस शाम को उठते ही शुरू हो गई बक बक, जो कि मेरे को चाहे जो डांटे लगाने लगे। चले घूमने चले ना, चल ठीक है चलते हैं। तो देखो गाइस सूरज डूबने वाला है अभी, देखो आप, और इधर इसको छत पर लेके आया हूँ। मैं छत पर चलते क्योंकि सो के उठी है। मैंने पहले बोला था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसका मून प्रेस सही करने के लिए छत पे ले। इधर पीछे तेरे पीछे बंदर, अब इधर आ गया ना अगर तो फिर देख लेना। मतलब इधर आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे दे लूंगी, तुम्हें मेरे क्यों देगी भाई, तुमने तो बोला नहीं आएगा नहीं आएगा। जब मैं उधर चल जाऊं, फिर तुम लड़ो उनसे, लड़ो मैं लड़ूंगा नहीं तो फिर मैं लड़ूंगी क्या। लड़ना तेरे को बंदरों का इतना डर क्यों लगता है यार, खा जाएंगे तो। पता है सच बताऊं, मेरे को पता है, मेरे को बंदर उंदर का डर नहीं लगता, पर मेरे को भूत चुड़ैल का सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे को, सही में। हाँ खाने दे, तू कमे के बंदरी, तू कमे के बांदरी। अभी देख रहा है, अभी देखो ये डाक है, तो बूढ़ा है ये। तेरी बिरादरी के वो आ गया इधर आ रहे। अभी तो नहीं आना चाहिए। तेरी बिरादरी के हो? रखो इसको बंद करो। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।